सिविल सर्विसेज के प्रतियोगी को डरना भी चाहिए। इस डर से, इस भय से अनुशासन का विकास होगा। डरिए इसलिए कि आप जिस एज में हैं चुनौती बहुत बड़ी है, एज के उस पार जिंदगी बहुत टफ, बहुत कंकड़ीली पथरीली वाली रास्ता है जिंदगी के उस पार। ये देख बेटा, ये और ये, यहां आपकी जवानी है, ठीक है, और यहां आपका सुजीवन है, ठीक है। जवानी को सुजीवन की ओर यात्रा करानी है। इसकी यात्रा ऐसे नहीं है, इस तरह का सीधा नहीं है। पहले चढ़ाई है, अलग अलग चढ़ाई है, ऐसे ये सिविल सर्विसेज की चढ़ाई है। किसकी? सिविल सेवा की। यहां पर एक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा। यहां पर फिर एक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा। फिर यहां पर आप पहुंचेंगे तो आएगा साक्षात्कार, और यहां से चयन है। ये पढ़ाई, ये जो चढ़ाई है, कई मोड़ जोड़, मेहनत, कमिटमेंट, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, मनोयोग, मनभाव, इन सब से भरी हुई है। जहां पर आप गलती करेंगे वही चीजें लड़खड़ाएंगी, ठीक, और आप लड़खड़ा के कहीं यहां वहां इधर ही उधर के बीच में यहीं कहीं रह गए, तो चूंकि रास्ता सुजीवन का यहां से जाता है ना, तो जवानी खड़ी नहीं रहती, जवानी बेचक खड़ी नहीं होती। आणी तिरछी भी होगी और एक दिन वो जमीदोज भी होगी। एक दिन जवानी रहेगी ही नहीं, ठीक, क्योंकि हर बार जवान, एक बार ही तो जवान होता है ना आदमी। आपने सुने हो 10-15 बार से जवान ही बने फिर रहे हैं, एक बार जवान होता है। तो जवानी खड़ी, आड़ी, तिरछी और लास्ट में जमीदोज हो जाती है। जो यहां अपनी जवानी को सार्थक कर लिया, अब उसको चढ़ना नहीं है, इसकी जिंदगी में ढलान आएगा, यहां उसका बुढ़ापा है, और ये पूरा यात्रा सुजीवन का है। आर्थिक कठिनाई से मुक्ति, सामाजिक चुनौती से मुक्ति, मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं थे उससे भी मुक्ति, अपने दायित्व को पूरा करने की स्थिति, और आफ्टर ऑल पीस एंड हैप्पीनेस अंदर होना। मतलब ये पूरा सच है नहीं कह सकते, पीस एंड हैप्पीनेस और भी मटेरियल है, बट मतलब जो इसकी कह सकते हैं सराउंडिंग आ सकता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और ये अच्छा चलेगा। आप कहाँ हैं? आप यहाँ हैं और यहाँ की यात्रा में हैं, और यहीं रह गए तो ये सब चीज खत्म हो जाएगी। अब इसी का उल्टा चित्र बना दो, ए ऐसे, और फिर ऐसे। अगर आप ना समझ हुए, कमजोर हुए समझ में, तो जवानी को यहां लेके चले जाएंगे। ये क्या है? दोस्ती, यारी, टूरिज्म, घूमना, मस्ती, टीवी, मोबाइल, ही हां हूं हां, ठीक। और फिर जब यहां पर आएंगे तो जवानी तो जमीदोज हो ही जाती है। फिर सुजीवन के लिए एक नई चढ़ाई, थकी शरीर, उम्र नहीं,
पढ़ाई नहीं, कमजोरी, कहीं झूठ फरेब करते रहिए, कहीं ठेका लीजिए, कहीं प्रॉपर्टी काम करेंगे, दारू बेचिएगा, यही सब करके सुजीवन की तलाश कीजिए। तो हमको तो लगता है यार कि ये वाला ज्यादा सही है, क्यों विजय बाबू, क्यों क्यों बेटा, कौन वाला ज्यादा सही, विदुषी कौन सा सही है बेटा, हाँ सिमरन, ऊपर वाला ही ठीक होना चाहिए ना, क्यों यही वाला ठीक है यार। तो आओ जवानी की कसम खाते हैं कि इसको जमी दोज होने से पहले, जमी दोज तो होगी, जवानी तो जाती है ना, हम मुकाम को हासिल करेंगे।